दोस्तों, शडी मूड में आपका स्वागत है। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं बिहार दरोगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार एसएससी या बिहार स्पेशल एग्जाम के बारे में इन्फॉर्मेशन और तैयारी कराता हूं। सभी गरीब घर के लड़के जुड़े रहते हैं, विश्वास रहता है। बहुत ही बुरा हुआ है, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उससे हजारों अभ्यर्थी का जो ठगी हो रहा था वो रुकने वाला था। अनफॉर्चुनेटली वीडियो हटा दिया गया है यूट्यूब की तरफ से। मैं पूरा कोशिश किया कि वीडियो नहीं हटाया जाए, लेकिन लास्ट में उन्होंने अपना बहाना बनाया और बोला कि जो प्राइवेसी है उसका आपने उल्लंघन किया है। मुझे ये ना समझ में आ रहा है कि मैंने अपना टेलीग्राम को जो चीज़ दिखाया वो प्राइवेसी नहीं है, क्योंकि वो मेरा है। और कुछ सेकेंड के लिए मान लो ठीक है मेरा है, मैंने प्राइवेसी अपना उल्लंघन नहीं किया, लेकिन कुछ सेकेंड के लिए मैंने दूसरे टेलीग्राम में एंटर किया और उसका प्राइवेसी हनन हो गया। जबकि मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ फ्रॉड होता है, हजारों रुपया को उगाही किया जाता है, बैक डेट में जाकर लोगों को टेलीग्राम पर ठगा जाता है और अपने आप को तुर्रम खा साबित किया जाता है। अब मैं क्या करूँ, मैं आपको उसका दिखाऊंगा, मैं वीडियो के लास्ट में मैं दिखाऊंगा कि क्या हुआ है। और मतलब या स्क्रीन पर ही मैं लगा देता हूँ कि वो जो आया है गाइडलाइन, मैंने कैसे वीडियो को रिमूव कर दिया गया है और मोनेटाइजेशन भी ख़त्म कर दिया गया है और क्या गाइडलाइन आया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, मतलब मेरे किसी से या ये गुनाह या किसी से मैं ये नहीं बोलता हूँ कि चलो भाई लड़ाई करो ये करो। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का आप संपर्क करो, उसको हेल्प करो, क्योंकि पढ़ाने वाले बहुत से मार्केट में हैं, अभी भी टीचर हैं, हम लोग भी टीचर हैं, बहुत से टीचर बनेंगे, लेकिन टीचर का एक कर्तव्य होता है कि हम पढ़ाई के साथ साथ ये भी ध्यान रखें अपने स्टूडेंट का, कि अगर कुछ गलत हो रहा है उनके साथ तो कदम से कदम मिलाकर चले। मैं आपको बता दूं कि जिस दिन मैं पटना पहुंचा हूं, मैं टीचर से तीन ही चार टीचर से बहुत बड़े जो हैं अभी बिहार के सबसे बड़े हैं, जो जिनको अवार्ड मिल रहा है, उनसे मैंने नहीं भेंट किया, क्योंकि मुझे पता है कि वो इस बारे में कभी कार्रवाई करेंगे ही नहीं। जिनका पॉलिसी हुई होता है कि पेपर आउट होना एक मतलब इकोनॉमिक्स का तरीका है, डिमांड एंड सप्लाई है, तो मैं उनसे क्यों भेंट करने जाऊँ। बाकी सभी टीचर से भेंट किया, बहुत से टीचर डर गए। मैं तुम लोगों के सामने ये बात का खुलासा कर रहा हूँ। एक ज्ञान बिंदु वाले सर को छोड़ दिया जाए, क्योंकि देखो मैं उन सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ या कुछ ये नहीं है, उनको छोड़ दिया जाए तो सभी टीचर डर गए, जो जिसके साथ मैंने मिला था, मैं नाम नहीं लूँगा, बाकी आप समझ जाओगे। दरोगा की तैयारी कराते हैं जी, डर गए। जब मैंने बोला कि हम लोग कल जाने वाले हैं, आप लोगों को भी साथ में चलना है आर्थिक अपराध इकाई, और जितना हो सके अपने स्टूडेंट से आप हो सके तो मंगाइए, प्रूफ मंगाइए, और हम लोग इस बात पर भी बावत उठाएंगे कि पेपर कैसे बाहर आ गया। डर गए, कह रहे कि नहीं हम नहीं जा सकते, हम कैसे कोचिंग क्लास बंद कर सकते हैं, दिक्कत हो जाएगा, इतना साल से हम पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमने बोला ठीक है, फिर वही उतना ही सुनकर मैंने बोला ठीक है रहने दीजिए, हम लोग अपना कर लेंगे। देखो बात ऑथेंटिसिटी की होती है, गलती हुआ है तो माफ़ी मांगकर पीछे हटने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन गलती हुआ है उसको गलतथई करने में बड़ा बुराई है, और उसमें FIR होने का भी पूरा डर है। हाइपोथेटिकली आप लोग सब लोग साथ में थे, स्टूडेंट भी थे, बहुत बुरा लगा होगा लोगों को, लेकिन हकीकत हकीकत होता है। मैं आज भी आप लोगों से समय दिया था कि आप लोग आज भी आओ ऑफिस पर ही आओ, या मेरे व्हाट्सएप पर भेजो, व्हाट्सएप पर बहुत से मैसेज आया है, मैं दिखा सकता हूँ आप लोगों को, समय मिलेगा तो ज़रूर दिखाऊंगा। लेकिन सेम सब लोग एक ही चीज़ भेज रहा है जो आप लोगों के पास है, और मैं बहुत लोगों को फुसलाने की कोशिश किया, बहुत लोगों को समझाने की कोशिश किया, मैं तो यहाँ तक कह दिया कि आपके मोबाइल का पूरा खर्चा मैं दे दूंगा अगर मोबाइल आप देते हो और आपके पास है तो। एक लड़का से संपर्क हुआ, बोला कि हाँ मेरे पास है, मैंने जब वीडियो कॉल किया देखने की कोशिश किया तो सेम वही चीज़ दिखा रहा है जो आप लोग दिखा रहे हो और जो मैं दिखा रहा था आप लोगों को, जिसके चलते वीडियो मेरा रिमूव कर दिया गया है। मैं आप लोगों को बस पैसा बचाने के चक्कर में लगा था कि कांस्टेबल अभ्यर्थी के साथ लाखों रुपया की ठगी होती है, पता है क्यों? क्योंकि बैक डेट में जाते हैं और बता देते हैं कि मैंने ये इस समय ये आंसर दिया था, लड़के समझ जाते हैं अरे हाँ ये तो आंसर दिया होगा, चलो इसके ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, फिर वहाँ से एक प्राइवेट ग्रुप बनता है, वहाँ पर जाता है। मैं देखो ये कभी नहीं इनकार कर रहा हूँ कि तुम्हारा जो बिहार पुलिस जो बिहार दरोगा का पेपर है, ये 100% मैं नहीं इनकार कर रहा हूँ कि दरोगा पेपर जो है वो तुम्हारा आंसर जो है ये वायरल नहीं हुआ है, मैं नहीं इनकार किया, मेरा वीडियो में ये चीज़ नहीं आप देखोगे। मैंने क्या इनकार किया कि जो आप लोगों द्वारा सोर्स भेजा गया है, जो प्रूफ भेजा गया है वो ऑथेंटिक नहीं है, उसका गलत साबित कर दिया गया। कल के वीडियो में मैंने गलत साबित भी किया। अब मैं क्या तुमको बताऊं, मतलब कि वो वीडियो क्यों हटाया गया, मुझे तो इतना बात करने के बाद भी हटा दिया गया, मतलब मुझे तो थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है। मैं छोटा मोटा हूं ना, आप बिहार से बिहार का कवर करता हूं, ऐसा करोड़ों रुपया का मेरे पास आमदनी नहीं है, लाखों रुपया का, कि मैं आपको ये चीज़ कर सकता हूं कि जाकर सुप्रीम कोर्ट में इस बात के लिए लड़े। लास्ट में ये कि प्राइवेसी का हनन हो रहा है, तब उस पर हम कहीं बोले प्राइवेसी, मतलब कुछ सेकेंड के लिए मैं किसी को फ्रॉडगिरी से बचा रहा हूं तो प्राइवेसी का हनन कैसे हो सकता है, मैं तो यही नहीं जान रहा हूं। तो ये चीज़ है, वीडियो हटा दिया गया, बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि लड़के के पास पहुंच रहा था, लड़के समझ रहे थे, कल से ही लड़के समझे, बहुत से लड़के बोले कि सर जी हम लोग भी झांसे में पड़ रहे थे, ऐसे बहुत से झांसे में पड़े हैं, स्क्रीन शॉट भेजे, यही चीज़ मान करके सर सही आप बोल रहे हैं, हम लोग बैग में देख लेते थे, पैसा बर्बाद हो जाता था। बहुत लोगों को मेरा बात बुरा मन लगा होगा कि सर बैग हो गया अचानक, पीछे हो गया, मैं पीछे नहीं हुआ,
मैं वो जो प्रूफ आपको दोबारा पेश किया गया था, मैं उससे पीछे हो गया हूँ क्योंकि वो ऑथेंटिक नहीं है, और उसके चलते FIR होने से बच गया। अब क्या करते फिर उस समय? आप हमको आकर डिफेंड करते हैं, जब मैं खुद ही गलत हूँ तो कैसे आप मुझे डिफेंड कर सकते हैं, मुझे ये बताओ। और मैं चाहूँगा कि आप मेरे को डिफेंड करें, नहीं चाहूँगा कभी भी कि मेरा लाइफ तो बर्बाद हुआ, आपका भी लाइफ बर्बाद हुआ, मैं कभी नहीं चाहूँगा। एक एज अ टीचर, एज अ आपको गार्जियन, कभी कोई नहीं चाहेगा भाई। तो हकीकत जो है उसे फेस करना पड़ता है, थोड़ा कड़वा होता है लेकिन हकीकत हकीकत होता है, इस बात को ध्यान में रखिए। और मतलब मैं थोड़ा मतलब दिमाग डाइवर्ट हो गया कि इतना मैं कर रहा हूँ, उसके बाद भी अगर ऐसा कुछ होता है तो बड़ा बुरा लगता है। मैं कल से अपना पढ़ाई सभी क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा। और प्लीज़ आप ये बात के लिए कि सर पेपर वायरल कैसे हो गया, पेपर बाहर कैसे हो गया, 7:35 पर मैंने खुद अपने टेलीग्राम पर ये डाला और मैंने बोला कि ये मिला लो कि यही पेपर आया है, दोनों शिफ्ट का पेपर डाला। क्यों डाला तुमको पता है? क्योंकि उस समय हमसे अगर कोई आकर ये पूछे ना कि आपके पास ये पेपर कहाँ आया, कहाँ से आया, तो मैं उसके लिए मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। ये नहीं कि मैं डिलीट कर दूंगा, भाग जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं, देने के लिए तैयार हूँ कि एक माध्यम से जो मुझे भेजा गया वहाँ से आया, उस माध्यम से कड़ी जुटेगा, उस माध्यम से कड़ी जुटेगा, ठीक। तो एक कड़ी जुटते चला जाता है, सही समय पर सही मोटिव से अगर प्रूफ पेश कर दिया जाए तो आपके पक्ष में ही सब चीज़ आता है। मोटिव मैंने बताया था लाइव आकर, साक्ष्य के बारे में मैंने बात किया था कि आप लोग भेजो व्हाट्सएप वाला, देखो व्हाट्सएप वाला इसलिए साक्ष्य बढ़िया होता है कि बैंक में जाकर आप टाइम बदलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और उसका तुरंत पता कर लोगे, अपने घर बैठे पता कर लोगे, वो भी हम लोग तुरंत पता कर लेते, लेकिन उस बारे में हम लोग को जानकारी था नहीं, इसलिए आर्थिक अपराध इकाई बताया हर एक डिटेल्स। और अभी भी आप लोगों के पास मैं बता रहा हूँ, मैं आप लोगों का हमेशा साथ खड़ा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पीछे भाग रहा हूँ या आगे बढ़ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको छोड़कर भाग गया, आगे आगे पीछे छोड़कर भाग गया, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। और अगर आपको ये लगता है कि आपके दोस्त हुआ या कोई भी हुआ उसके पास विद इन टाइम पीरियड में, मतलब कि मान लो एग्ज़ाम हो रहा था और उसके पहले या विद इन टाइम पीरियड में क्वेश्चन पेपर भी आया हुआ है ना, मैं आपको पूरा ये आश्वस्त कर रहा हूँ कि आपके पक्ष में 100% रिजल्ट आएगा, आपके पक्ष में 100%। मैं नेता नहीं हूँ कि नेतागिरी करते चलूँगा, पहले मैंने मेरा काम टीचर का है, सो टीचर जो होते हैं कुछ सच्चाई बताएंगे तो कड़वा ही बताएंगे, सिर्फ पैसा कमाना कोई मकसद नहीं होता है, ये होता है कि लड़कों का भलाई हो, और मैं तो वो कुछ नहीं है कि मैं पैसे कमाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा परिवार है, इतना बड़ा परिवार, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना, सब लोग फैमिली हो, सब लोग सदस्य हो, जानते हो, कभी कहोगे तो मैं बता दूंगा कि मेरा कितना रेवेन्यू आता है, तो आप लोग देख कर दंग रह जाओगे कितना कम आने के बाद भी सर लड़े रहते हैं, बुरा लगा इसलिए। और कुछ लोग द्वारा बोला गया कि सर हम भेजे हैं एविडेंस, वो देखिए आप सेम चीज़ भेज रहे हो भाई, खुद ही देख लो ना, जो मैं मांग रहा हूँ वो चीज़ आप प्रोवाइड करा दो, जो आर्थिक अपराध इकाई मांग रहा है वो प्रोवाइड करा दो, मैं तुमको 100% ये आश्वासन दे रहा हूँ, ना तुम्हारा नाम आएगा, ना तुम्हारा दोस्त का कोई का नाम आएगा, मैं आगे से लड़ूंगा, मैं वो चीज़ लेकर आगे जाकर पेश करूंगा, और वो साक्ष्य जो भी होगा मुझे, सिर्फ मुझे तो दिखा दो यार, मतलब किसी को, मान लो तुम आर्थिक अपराध इकाई को नहीं दिखा दो, मुझे तो दिखा दो कि मैं ये दावे के साथ डंके के साथ कह सकता हूँ कि नहीं मेरे पास प्रूफ है, अगर नहीं होगा तो हम लोग कोर्ट में जाएंगे, तो उसको मैं दिखाऊंगा अपने मोबाइल में लेकर दिखाऊंगा, देखिए ये प्रूफ है, तुमको कोई नहीं छेड़ेगा। बहुत लोग बोलेगा कि सर ये चोरी करेगा चोरा कर, वो बोलेगा आपका बात एकदम सही है, चोरी करेगा चोरा कर नहीं बोलेगा, लेकिन उसमें भी बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास नहीं चोरी करते हुए भी हाथ लग जाता है, जो परीक्षा नहीं भी देते हैं तब पर भी उनके पास हाथ में लग जाता है, जिनका सेकेंड शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट का हाथ में लग गया है, ऐसा कुछ होते हैं, अगर है वैसा तो जरूर खुलकर आइए, मोस्ट वेलकम है स्टडी मोड में, मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा रहूँगा कंधे से कंधे मिलाकर। बट ये चीज़ कि अगर किसी के चैनल के बारे में मैंने बताया फ्रॉडगिरी कर रहा है और वो उनके द्वारा ये मतलब कि कार्रवाई करना, ये सही नहीं है। एजुकेशन का क्षेत्र है, एजुकेशन में आपको ओपन होना चाहिए, कंपटीशन भी ओपन होता है जैसे, और ऐसे मत करो कि वीडियो हटाने पर मजबूर हो जाओ, मतलब ये गंदा काम है, ठीक, ये मैं सपोर्ट किसी को नहीं करता हूँ, और ये गंदा काम से मतलब मैं तो आज तक किसी को वीडियो बनाने हटाने के लिए कुछ नहीं किया, और मैं किसी का प्राइवेसी नहीं, उतना जरूर जानना हक है कि कहाँ से फ्रॉडगिरी हो रहा है, कहाँ पर उगाही हो रहा है, और कौन किसके नाम पर हो रहा है, ये नाम वो नाम, ये कुछ नहीं है, ये झंडू पखंडू कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारे मेंटल से खेल रहे हैं, ये कुछ है नहीं। बात रहा कि एग्जाम में अगर पेपर लीक हुआ होगा तो कट ऑफ हाई जाएगा, तो बीसी से बात है, तुम्हारा बात एकदम सही है, कट ऑफ हाई जाएगा तो श्योर समझ लेना कहीं ना कहीं से लूज फॉल है, और हम लोग तैयार हैं आगे भी। बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल 21391 के लिए मेरा एक छोटा सा वीडियो आएगा जिसमें मैं बहुत बड़ा आपको प्रॉब्लम फेस होने वाला है जो आपके साथ साझा करूंगा, सभी के बारे में अपडेट दिया जाएगा एग्ज़ाम के बारे में, ये बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं पर अंत करता हूँ। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि साथ बनाए रहिए, और फिर ऐसा काम मत करो यार, मन उदास है, छोटा हो गया है मन, मतलब आपके के चैनल में चले गए, थोड़ा से दिखा दिए कि कैसे फ्रॉडगिरी होता है, तो आप ये कह दोगे कि मेरा प्राइवेसी हनन हो रहा है, अरे भाई ठगने से बचो, गरीब घर के लड़के आते हैं तैयारी करने के लिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे क्या आया है चैनल पर।
आप ये देख सकते हैं कि जो अभी रिसेंट समय में जो मेरा वीडियो पब्लिश हुआ था और ये जो मैंने कल डाला था रात को, तो ये आप देख सकते हैं कि इसे क्या कर दिया गया है। मैं आपको इस पर क्लिक करता हूँ और सिर्फ मैंने ये बताया था कि लोग धोखाधड़ी से बचें, विजिबिलिटी रिमूव कर दिया गया है, मोनेटाइजेशन इनेबल कर दिया गया है। और किस लिए पता है आपको, इसमें मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बताया था। इसमें क्या बताया था मैं, आप यही चीज़ की ये देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है कि वीडियो रिमूव कर दिया गया है। और इसमें किसका क्या प्राइवेसी हनन हुआ था यार, मैं एक सेकेंड के लिए या एक मिनट के लिए मैक्सिमम किसी का टेलीग्राम में मैंने बता दिया था कि फ्रॉडगिरी हो रहा है। इसके चलते ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसको भी बुरा लगा होगा ऐसा नहीं आपको करना चाहिए, क्योंकि लड़के का ज़िंदगी का सवाल है, आप बहुत से लड़कों को ठग देंगे, तो ये बात सही नहीं है। ठीक, मुझे बुरा लगा इस बात के लिए, मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ और ये ऐसे यूट्यूब के साथ ठीक नहीं है, मतलब ऐसा बर्ताव और लोगों के साथ जो फ्रॉडगिरी कर रहे हैं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आपका नंबर, आपका अगर नाम किसी के आर्थिक अपराध इकाई के पास चला जा रहा है और आप पर कोई कार्रवाई हो रहा है, तो आपका मतलब ये नहीं हुआ कि आप उलट कर ऐसा कार्रवाई कीजिएगा। और बाकी अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट होगा कि आपके पास सही में ऑथेंटिक है, व्हाट्सएप में है या कोई भी आप देखिएगा कहीं भी, लेकिन ऑथेंटिक होना चाहिए, टाइम एडिटिंग नहीं होना चाहिए। सो मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। और चलिए इसी वीडियो के साथ मैं समाप्त करता हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया, धन्यवाद।